आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. So let's start the question. The question says unsaturated hydrocarbon contains. So इस question में हमें बताना है unsaturated hydrocarbon में क्या होता है, ठीक है। So first of all हमें देखना होगा unsaturated hydrocarbon क्या होता है। So जो हमारा hydrocarbon है, hydrocarbon, it is further divided into two parts, that is saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. So saturated and unsaturated hydrocarbon क्या होते हैं? Saturated hydrocarbon ऐसे होते हैं which cannot show addition reaction, और unsaturated hydrocarbon which can show addition reaction. सो जो हमारे saturated carbons होते हैं, hydrocarbons होते हैं, these are alkanes, मतलब जिसमें सिर्फ single bond होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इथेन की, इथेन एग्ज़ाम्पल, सी सिंगल बॉन्ड सी एच 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 एच, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सारे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इसमें हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं फर्दर, एक होते हैं हमारे एल्कीन और दूसरे होते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स कौन से होते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड होता है, और एल्काइन्स कौन से होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, सो एल्कीन का एग्जांपल होगा इथीन, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, और एल्काइन के एग्जांपल की बात करें तो इसमें होगा इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच। सो इथाइन जो है वो एग्जांपल है एल्काइन्स का। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला होगा सी एन एच टू एन प्लस टू, और एल्कीन की बात करें तो सी एन एच टू एन, और एल्काइन्स में सी एन एच टू एन माइनस टू। सो ये हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज। सो ये तो हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे डबल और या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन या एल्काइंस हो सकते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। सो ऑप्शन वन सेज सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे पूछा गया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो सिंगल बॉन्ड वाले नहीं हो सकते, सो दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन टू सेज ओनली डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स होते हैं पर ओनली नहीं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सेज ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, तो यहाँ भी ओनली है सो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन फोर सेज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन फोर विच सेज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।